राम राम एवरीबॉडी। टेंस मूड कंडीशनल ओके है। लास्ट टॉपिक कंडीशनल पढ़ा था ना। चलो वर्ब क्या होता है बेटा? हाँ वर्ब क्या होता बेटा? हाँ जो क्या करे, सेंटेंस को पूरा करे। खैर बात तो ये भी है। पड़ोसी वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या था बेटा? एक्शन। खैर देखो, एक्शन भी होता है, स्टेट भी होता है। इसको ऐसे समझना, अ वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। तो वर्ब हम कहते हैं किसी एक ऐसे वर्ड को, लिखा नहीं अपना समझ लेना। वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। ऐसे वर्ड जो किसी वर्ब डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन्हें हम वर्ब कहते हैं। ठीक है। वैसे एक चीज और ध्यान रखना साथ में, कि जो वर्ब होता है ना, इसका अक्सर हम इसे हिंदी वगैरह में पढ़ते हैं, हाँ, तो हम इसे क्रिया कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्रिया होता नहीं है। क्रिया जो वर्ड होता है वो होता है एक्शन। वर्ब का जो अपना मीनिंग होता है ना, लिटरल, वो शब्द होता है। इसको ऐसे समझना, जैसे एक इंग्लिश में वर्ड होता है वर्बल, रीजनिंग पढ़ते हो तुम लोग, उसमें यूज होता होगा वर्बल नॉन वर्बल। एक वर्ड होता है वर्बोस और एक और होता है वर्बेटिम। अब जैसे इन वर्ड्स के मीनिंग अगर देखें, तो वर्बल का मतलब हो गया रिलेटेड टू वर्ड्स, रिलेटेड टू वर्ड्स, ऑफ वर्ड्स। वर्बोस का मतलब क्या हो गया? फुल ऑफ वर्ड्स, मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स का यूज करना। वर्बेटिम का मतलब क्या हो गया? बहुत डेट है, वर्ड फॉर वर्ड। अब इन वर्ड्स के जो मीनिंग है ना, इनसे एक चीज तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि वर्ब का अपना मतलब शब्द होता है, लेकिन ये वो शब्द होता है जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो कई बार हम क्या कहते हैं, वर्ब को ही शब्द कहते हैं, मतलब वर्ब को क्रिया कह देते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना वर्ब और एक्शन दो वर्ड है। वर्ब का मतलब शब्द होता है और ये वो शब्द होता है जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। क्योंकि एक्शन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सेंटेंस का, तो उसको जो रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स होते हैं उन्हीं को वर्ब कह दिया। तो वर्ब का अपना लिटरल मीनिंग हमेशा शब्द होता है, उसका मतलब क्रिया नहीं होता। क्रिया मतलब एक्शन का होता है, लेकिन वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्शन का मतलब क्या माने? एक्शन का मतलब हम यहाँ पे मानते हैं डूइंग और हैपनिंग। हालांकि बींग को भी हमने साथ में लिख दिया, लेकिन बींग एक्शन नहीं होता। अब बींग, डूइंग और हैपनिंग में डिफरेंस क्या होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। दे आर प्लेइंग, इट इज रेनिंग, द मैन वॉज हैप्पी। अब देखो, इन सेंटेंसेस में जो आर है और इज है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हमने टेंस में पढ़ा होगा। ये हमारी वर्ब है, यहाँ पे रेनिंग और यहाँ पे प्लेइंग। अच्छा, यहाँ पे जो वॉज है ना, ये मेन वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद हमने कोई दूसरी वर्ब लिख रखी होती है, तो यहाँ पे ये वॉज जो है खुद ही मेन वर्ब है। अब इन वर्ड्स को हम वर्ब कह रहे हैं, लेकिन अगर हम वर्ब कह रहे हैं तो इसका मतलब ये वर्ड्स बींग, डूइंग, हैपनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वर्ड्स किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबसे पहले सेंटेंस में जो प्लेइंग वर्ड हमने लिखा है ना, ये एक्सप्रेस कर रहा है किसी डूइंग को। डूइंग का मतलब जिसमें कोई डूअर हो, जो उस काम को परफॉर्म करता हो। तो जो प्लेइंग है ना वर्ड, ये एक डूइंग को एक्सप्रेस कर रहा है। डूइंग का मतलब किसी काम का किया जाना, और इसका डूअर जो है वो दे है। अच्छा, रेन वर्ब जो है, इसमें कोई डूअर नहीं है, कोई इसको करने वाला नहीं है, ये हैपनिंग है। तो
एक्शंस दो तरीके के, एक वो जिनमें कोई डूअर इन्वॉल्व होता है, एक वो जिनमें कोई डूअर नहीं होता है। सम थिंग्स हैपन ऑन देयर ओन एंड सम थिंग्स आर डन बाय अदर्स। तो ऐसे एक्शन जिनमें कोई डूअर इन्वॉल्व होता है वो डूइंग का एक्सप्रेशन होते हैं, जिनमें कोई डूअर इन्वॉल्व नहीं होता वो हैपनिंग का एक्सप्रेशन होते हैं। अब अगर हम इस वॉज वर्ब को देखें तो ये ना तो डूइंग है ना ये हैपनिंग है, बल्कि ये वर्ब केवल इस मैन की स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई है। मतलब जो भी मीनिंग यहां पर है वो हैप्पी का मीनिंग है, इस वर्ब का अपना कोई मीनिंग है नहीं। ये वर्ब क्या कर रही है, इन दोनों को केवल जोड़ रही है। ठीक है, तो ये जो वर्ब हमने यहाँ पे यूज किया ना, ना तो ये किसी डूइंग को एक्सप्रेस कर रही है ना ही किसी हैपनिंग को एक्सप्रेस कर रही है। ये वर्ब इस मैन की स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे लिखी गई है, तो हम इसे कहेंगे स्टेटिव वर्ब या बींग। बींग का मतलब होता है स्टेट, अवस्था। तो कुछ वर्ब्स तो ऐसी होती हैं जो एक्टिविटीज को रेफर करती हैं, एक्टिविटी का मतलब होता है डूइंग या हैपनिंग, इन्हें हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो स्टेट वगैरह डिस्क्राइब करने के लिए लिखी जाती हैं, और इन्हें हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। वो सब आगे पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे जानते जाओगे। तो अभी ध्यान में रखना है कि वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बींग डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जिनमें से बींग जो होता है वो स्टेट होती है, कुछ वर्ब्स स्टेट डिस्क्राइब करती हैं, कुछ वर्ब्स एक्शन डिस्क्राइब करती हैं। एक्शन का मतलब होता है या तो डूइंग या हैपनिंग। तो ये वर्ब की डेफिनेशन हो गई, वर्ब के फंक्शन हो गए। अब हम समझ लेते हैं वर्ब के टाइप्स। देखो वर्ब्स को बेसिकली हम तीन टाइप्स में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। वैसे तो कैटेगराइजेशन इनके बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है वो कैटेगराइजेशन देखो इनके। एक तो ऑक्जिलरीज, ये हमने टेंस में भी पढ़ा होगा। क्या होती है ऑक्जिलरीज? हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्जिलरीज का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स, जो मेन वर्ब्स को हेल्प करें। ये दो टाइप की होती हैं, एक प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी ऑक्जिलरीज वो होती हैं जो बेसिकली मूड एक्सप्रेस करती हैं, इंडिकेटिव, सब्जंक्टिव वगैरह वगैरह। हम सीधे शब्दों में कह देते हैं कि ये टेंस एक्सप्रेस करती हैं। तो प्राइमरी ऑक्जिलरीज वो वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनको हम मेन वर्ब के साथ में यूज करते हैं टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। कितनी होती है ये? हाँ, तीन। कौन कौन सी? बी, डू और हैव। तो प्राइमरी ऑक्जिलरीज तीन होती हैं, एक बी और उसकी फॉर्म्स, एक डू और उसकी फॉर्म्स, और एक हैव और उसकी फॉर्म्स। बी की फॉर्म्स को हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब बना के, मतलब ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्सप्रेस करने में। डू की फॉर्म्स को हम यूज करते हैं इंडेफिनिट टेंसेस में मेन वर्ब के साथ में एज एन हेल्पिंग वर्ब, और हैव की फॉर्म्स को परफेक्ट टेंसेस में। जैसा कि हमने टेंस में भी पढ़ा होगा कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो डुअल स्टेट होता है, इसीलिए वहां पे हमें दो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, एक बी की फॉर्म और एक हैव की फॉर्म। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, एक बी की फॉर्म और एक हैव की फॉर्म। तो ये है हमारी प्राइमरी ऑक्जिलरीज जिनका यूज हम करते हैं मेन वर्ब के साथ में, तब जो हमें मूड एक्सप्रेस करना हो या यूं कह लो कि टेंस एक्सप्रेस करना हो। सेकेंड टाइप की ऑक्जिलरीज होती है, इन्हें हम कहते हैं मॉडल्स। मॉडल्स हमारी वो ऑक्जिलरीज होती हैं जो कि टेंस या मूड एक्सप्रेस नहीं करती, बल्कि स्पीकर की अपनी इंटेंशन को एक्सप्रेस करती हैं, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। अलग अलग इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे कैन है, कुड है, मे है, हाँ शैल भी है, मे है, माइट है, विल, शैल। मस्ट ऑट टू यूज टू नीड डेयर एटसेट्रा। वर्ड लिख लेना एक कहीं पे। अब ये जो मॉडल्स है ना, इनका यूज हम आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मॉडल्स हमारी वो ऑक्जिलरीज हो गई जिनको हम मेन वर्ब के साथ में यूज करते हैं स्पीकर के इंटेंशन एक्सप्रेस करने के लिए, इंटेंशन ऑफ एबिलिटी, इंटेंशन ऑफ परमिशन, इंटेंशन ऑफ नेसेसिटी वगैरह वगैरह। अब ये जो ऑक्जिलरीज हैं ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनको हमें लिखना पड़ता है मेन वर्ब के साथ में।
क्योंकि एक्शन को रिप्रेजेंट करना काम मेन वर्ब का ही होता है। अब जो मेन वर्ब होती है उसको भी हम कैटेगराइज कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दो ग्रुप्स में। मेन वर्ब्स का मतलब समझना, मेन वर्ब्स का मतलब वो वर्ब जो एक्शन रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, कैटेगराइज इन्हें भी हम दो ग्रुप्स में कर देते हैं, एक ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव। तो जो मेन वर्ब्स होती हैं उनको ही हम दो कैटेगरीज में उन्हें स्टडी करते हैं, एक ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव मेन वर्ब्स वो जिनके साथ में ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, इंट्रांसिटिव वो जिनके साथ ऑब्जेक्ट्स नहीं यूज होते हैं। अगर ये बात हम एग्जाम्पल से समझें, ही सैंग अ सॉन्ग और ही सैंग स्वीटली। तो देखो इन दोनों ही सेंटेंस में यहां पर सैंग मेन वर्ब है, यहां पर भी यही है, इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, यहां भी ही है, यहां पे सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, यहां पर नहीं है, यहां पर स्वीटली एडवर्ब है। अब ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट्स लिखे हो वो तो हो गई ट्रांसिटिव, ठीक है। जैसे सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो ये वर्ब हो गई ट्रांसिटिव। अच्छा, यहां पे ऑब्जेक्ट है नहीं, स्वीटली एडवर्ब है तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो वर्ब हो गई इंट्रांसिटिव। अब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लिखा है तो ट्रांसिटिव, नहीं लिखा तो इंट्रांसिटिव। अब यहाँ पे दूसरा इशू ये बनेगा कि हाउ डू वी नो दैट सॉन्ग इज द ऑब्जेक्ट, इट कुड बी एन एडवर्ब, ठीक है। तो हमें कैसे पता चल जाता है कि सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट ही है एडवर्ब नहीं है, या स्वीटली एडवर्ब है ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उसके लिए हमें ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्ट इज समवन और समथिंग दैट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ द एक्शन। ऑब्जेक्ट तो जनरली कोई ऐसा पर्सन या थिंग होती है जो एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करता है। हालांकि सिंपल शब्दों में अगर समझना या पहचानने की ही बात है तो पहचानने को हम इस तरीके से डिकोड कर सकते हैं कि सेंटेंस में वर्ब के बाद लिखे गए वो वर्ड्स जो व्हाट या हुम को रिप्लाई कर रहे होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका ही है, जो वर्ड्स व्हाट या हुम को रिप्लाई करते हैं ना सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट ही होते हैं। व्हाट का रिप्लाई भी ऑब्जेक्ट होता है, हुम का रिप्लाई भी ऑब्जेक्ट ही होता है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा ना, ही सैंग अ सॉन्ग, व्हाट डिड ही सिंग, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया सॉन्ग, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस में हमने लिखा ही सैंग स्वीटली, व्हाट डिड ही सिंग पता नहीं, हुम डिड ही सिंग पता नहीं, तो यहां पे ना तो व्हाट का रिप्लाई है ना हुम का रिप्लाई है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट है नहीं। अब चलो ये व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं है स्वीटली तो ये तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये कैसे पता चल जाता है कि एडवर्ब भी होता है। ये भी हमने पहले कई बार डिस्कस किया होगा कि व्हेन वेयर व्हाई हाउ के रिप्लाई जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो सेंटेंस में लिखे गए वो वर्ड्स जो व्हेन वेयर व्हाई हाउ को रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। ये जो स्वीटली है हाउ का रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, तो ये एडवर्ब है। तो स्वीटली को हम एडवर्ब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, हाउ का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, ध्यान रखना। सॉन्ग को ऑब्जेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो व्हाट का रिप्लाई है, तो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लिखा वो ट्रांसिटिव है, जिसके साथ नहीं लिखा वो इंट्रांसिटिव है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, ये वर्ब यहाँ पर ट्रांसिटिव है और यहाँ पर इंट्रांसिटिव है, वर्ब सेम है, तो इसका मतलब जो हम ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब्स को कहते हैं ना, कुछ वर्ब्स तो ऐसी होती हैं जो एवर ट्रांसिटिव होती हैं। एवर का मतलब वो हमेशा ही ट्रांसिटिव है, वो आगे पढ़ेंगे तो जान जाओगे। कुछ ऐसी होती हैं वो हमेशा इंट्रांसिटिव है, ज्यादातर वर्ब्स ऐसी होती हैं हम उन्हें इधर वे यूज कर सकते हैं, ट्रांसिटिवली या इंट्रांसिटिवली। तो सैंग एक ऐसी वर्ब है, अपने चाहे ट्रांसिटिवली या इंट्रांसिटिवली कैसे भी यूज कर लो। इस सेंटेंस में हमने इसको ट्रांसिटिवली यूज किया, इसमें इंट्रांसिटिवली यूज किया। ये जो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं इनको इंग्लिश में नहीं हिंदी में हम एक और नाम से पढ़ते हैं, सकर्मक। ट्रांसिटिव को सकर्मक और इंट्रांसिटिव को अकर्मक, ठीक है। अगर हिंदी में कभी तुमने पढ़ी होंगी तो ऐसे ही पढ़ी होंगी। कर्म का मतलब क्या होता होगा यहाँ पे? पीछे बढ़ा, जैसे हमने बच्चे इसको सकर्मक का, इसको अकर्मक का, तो यहाँ पे कर्म का मतलब क्या होना चाहिए? हाँ, एक्शन, पड़ोसी।
एक्टिंग करेगा कि बोलेगा भी? तेरा मुंह पीछे बैठा। बेटा इसमें सकर्मक में कर्म का मतलब क्या होना चाहिए? अकर्मक में, सकर्मक में कर्म का मतलब क्या होना चाहिए? हाँ अब देखो, वैसे तो कर्म का मतलब एक्शन ही होता है, लेकिन जब हम वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए अकर्मक सकर्मक यूज करते हैं ना, तो इनका मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ये हिंदी व्याकरण का कारक होता है। हिंदी व्याकरण में जो कारक तुमने पढ़े होंगे ना, कर्ता, कर्म, अपादान, संप्रदान, ठीक है, ये वही होता है। तो जब हम सकर्मक अकर्मक कहते हैं, तो यहाँ पे कर्म का मतलब काम नहीं होता, यहाँ पे कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है वो सकर्मक है, मतलब ट्रांसिटिव है, जिसके साथ नहीं है वो इंट्रांसिटिव है, कर्मक। अभी जो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव को डिफरेंशिएट करना हमने सीखा है ना, इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में। द मैन स्टॉप्ड नियर द कार। द मैन स्टॉप्ड द कार। दिस मैन ग्रोज कॉटन ऑन हिज फार्म्स। ये क्या लिख दिया? ग्रोज कॉटन, ग्रोज वेल इन दिस सीजन। वी फ्लाई, वी के चिल्ड्रन लिख दो। चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स हाई इन द स्काई। काइट्स ये छोड़ो, सम बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई। द न्यूज स्प्रेड थ्रू आउट द सिटी, थ्रू आउट द सिटी। सम बॉयज स्प्रेड दिस न्यूज एवरीवेयर। ही वॉज या ही इज सेलिंग, ही इज सेलिंग स्मार्टफोन्स। दिस फोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक। अब देखो, इन सेंटेंसेस में ऐसा नहीं कोई मिस्टेक वगैरह हो गई, कुछ गलत नहीं लिखा है, बस ये पता करना है। मतलब ये सेंटेंस हमने इसलिए लिखे हैं कि हम ये पता कर पाए कि इन सेंटेंसेस में यूज किए गए वर्ब्स ट्रांसिटिव हैं या इंट्रांसिटिव। वर्ब्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बाकी पता अपने आप करना है कि ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव। तो इन सेंटेंसेस में लिखे गए वर्ब्स का एक बार ये पता लगाओ कि ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव।
चलो बताओ, सबसे पहले सेंटेंस में लिखे हुए ट्रांसिटिव या इंट्रांसिव? इंट्रांसिव। अब देखो ये जो हमने वर्ब लिखे ना स्टॉप यहाँ पे, इसके बाद में जो नियर वर्ड लिखा है अगर तुम्हें पता हो तो ठीक है, नहीं तो ये प्रेपोजिशन है। और ये जो कार हमने नाउन लिखा है ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अच्छा कार यहां भी ऑब्जेक्ट है लेकिन यहां पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी है, एक तो ये कि जिस तरीके से हम वर्ब्स के बाद में नाउन या प्रोनाउन को उनका ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं उसी तरीके से प्रीपोजिशन के बाद भी लिखते हैं। दूसरी चीज ये समझनी कि जब हम किसी प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं जो कि हमेशा लिखना पड़ता है, वर्ब के बाद तो चलो वर्ब ट्रांसिटिव है तो लिखोगे, नहीं इंट्रांसिटिव है तो नहीं लिखोगे, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हमेशा ही लिखना पड़ता है। ये जो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट फ्रेज तैयार होती है ना, ये फ्रेज या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब होती है। अब अगर वो फ्रेज विच या वट काइंड ऑफ को रिप्लाई कर रही है तब तो वो एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर हम कभी भी कोई प्रेपोजिशन लिखेंगे तो उसके बाद हमेशा हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, वो जो प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट है वो मिलके या तो एडजेक्टिव बन जाएंगे एडवर्ब बन जाएंगे। अगर वो विच या वट काइंड ऑफ को रिप्लाई करें तो वो एडजेक्टिव है, अगर वो वेन वेयर वाई हाउ को रिप्लाई करें तो फिर वो एडवर्ब है। तो वो अपना सेंटेंस में देख लेना कि किसको रिप्लाई करने के लिए उनका यूज हो रहा है, व्हेन वेयर व्हाई हाउ को रिप्लाई करने के लिए हो रहा है तो वो एडवर्ब है, व्हिच व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करने के लिए हो रहा है तो वो एडजेक्टिव है। अब अगर हम देखें तो नियर द कार किसका रिप्लाई है, व्हिच का, व्हाट काइंड ऑफ का, व्हेन का, वेयर का, व्हाई का, हाउ का, वेयर का, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जो व्हेन का रिप्लाई होते हैं ना वो होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर का रिप्लाई होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, वाई का रिप्लाई होते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन या एडवर्ब ऑफ पर्पस, हाउ का रिप्लाई होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो वो जो नियर द कार हमने फ्रेज लिखी है ना, वो फ्रेज, फ्रेज का मतलब समझ लेना, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो वो जो नियर द कार पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है ना वो एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का रिप्लाई। तो चूंकि वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, वो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशन का है, वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है नहीं, तो वर्ब हो गई इंट्रांसिटिव, द मैन स्टॉप नियर द कार। अच्छा यहाँ पे जो कार है वो वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है और व्हाट का रिप्लाई भी है, द मैन स्टॉप्ड, व्हाट व्हाट डिड ही स्टॉप, द व्हाट का रिप्लाई आ गया द कार, तो ये वर्ब हो गए हमारी ट्रांसलेट। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं, दिस मैन ग्रोस व्हाट, व्हाट डज ही ग्रो, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया कॉटन, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वर्ब हो गई ट्रांसलेट। फिर हमने लिखा कॉटन ग्रोस, ठीक है, अब व्हाट का रिप्लाई कर देखें तो कॉटन है, लेकिन ये कॉटन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो होगा जो वर्ब के बाद हम लिखें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, ये जो वेल है ये हाउ का रिप्लाई है तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इन दिस सीजन जो है वो वेन का रिप्लाई है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इन दिस सीजन एडवर्ब ऑफ टाइम है, वेल एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये हाउ का रिप्लाई है, वेन का रिप्लाई है, इसमें व्हाट या हुम का रिप्लाई है ही नहीं, तो ये वर्ब हो गई इंट्रांसिटिव। फिर उसके बाद हमने लिखा चिल्ड्रन फ्लाई, व्हाट डू दे फ्लाई, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया काइट्स, ये ऑब्जेक्ट है तो वर्ब हो गई ट्रांसलेट। अब हालांकि अगर हम यहां पे देखें तो वेयर का रिप्लाई हमने लिख रखा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जो दोनों हमने लिखे हैं ना हाई और इन द स्काई, ये दोनों ही वेयर का रिप्लाई है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट आ चुका है तो वर्ब ट्रांसलेट हो गई। तो एडवर्ब के लेने मतलब लिखने या नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस हमें यह देखना है ऑब्जेक्ट है तो वर्ब ट्रांसलेट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांसलेट, एडवर्ब चाहे हो चाहे ना हो। फिर हमने लिखा सम बर्ड्स फ्लाई, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हाई और इन द स्काई ये दोनों वेयर का रिप्लाई है, तो दोनों एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, ऑब्जेक्ट है नहीं तो वर्ब हो गए इंट्रांसिटिव। उसी तरीके से हमने लिखा दिस न्यूज स्प्रेड, अब देखो ये थ्रू आउट प्रिपरेशन है, दिस सिटी प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है और ये मिलके हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गए वेयर का रिप्लाई। तो चूंकि वो थ्रू आउट द सिटी जो फ्रेज है ना वो वेयर का रिप्लाई है और सिटी जो है वो थ्रू आउट प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो वर्ब हो गए इंट्रांसिटिव। फिर उसके बाद हमने लिखा सम बॉयज स्प्रेड, व्हाट डिड दे स्प्रेड, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया दिस न्यूज, हालांकि वेयर का रिप्लाई देखो यहां भी एडवर्ब दे रखा है लेकिन अब एडवर्ब से मतलब नहीं होता, मतलब ऑब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट दे रखा है तो वर्ब ट्रांसिटिव हो गई, फिर चाहे एडवर्ब हो चाहे ना हो। फिर हमने लिखा ही सेलिंग, व्हाट इज ही सेलिंग, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया स्मार्टफोन्स, तो स्मार्टफोन्स ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब ट्रांसिटिव हो गई। फिर हमने लिखा दिस फोन इज सेलिंग, अब यहां पे हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा सेलिंग के बाद में, लाइक लिखा जो कि प्रिपोजिशन है और हॉट केक इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये मिलके एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया, हाउ का रिप्लाई। तो जैसे हमने लिखा दिस फोन इज सेलिंग, हाउ इज इट सेलिंग, तो हाउ का रिप्लाई गया लाइक हॉट केक, तो वो हाउ का रिप्लाई एडवर्ब फ्रेज है, तो अगर वो एडवर्ब है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं है ही नहीं, तो वर्ब इन ट्रांसिटिव हो गई।
तो फिर से समझ लो, इंग्लिश में बहुत ज्यादा ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव बनती हैं, ना कि ऑलरेडी, मतलब वो पहले से हम याद नहीं कर सकते कि वो ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव है, वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, सेंटेंस पर डिपेंड करता है। सेंटेंस पढ़ो, पढ़ के समझो, उसके बाद में देखो ऑब्जेक्ट दिया है तो ट्रांसिटिव है, नहीं दिया तो इंट्रांसिटिव है। अब देखो इनमें होता है क्या, बेसिकली ये जो वर्ब हमने यहां पे लिखी है ना, जैसे ये स्टॉप वर्ब है, इसका मतलब रोकना और रुकना दोनों ही होते हैं। ग्रो का मतलब ग्रो होना भी होता है, ग्रो करना भी होता है। फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है, उड़ाना भी होता है। स्प्रेड का मतलब स्प्रेड होना, फैलना भी है और फैलाना भी है। सेल का मतलब बेचना भी है, बिकना भी है, ठीक है। चेंज का मतलब बदल देना भी है, बदल जाना भी है। कुक का मतलब पकना भी है, पकाना भी है। बॉइल का मतलब उबलना भी है, उबालना भी है। स्टार्ट का मतलब स्टार्ट करना भी है और स्टार्ट होना भी है। ओपन का मतलब खोलना भी है, खुलना भी है। क्लोज का मतलब बंद करना भी है, बंद होना भी है। हाइड का मतलब छिपना भी है, छिपाना भी है। सेल का मतलब बेचना भी है, बिकना भी है। बर्न का मतलब जलना भी है, जलाना भी है। ब्रेक का मतलब तोड़ना भी है, टूटना भी है। बेथ का मतलब नहाना भी है, नहलाना भी है। प्रूव का मतलब साबित होना भी है, साबित करना भी है। मेल्ट का मतलब पिघलना भी है, पिघालना भी है। तो बहुत सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ट्रांसिटिव इंट्रांसिव दोनों ही होती हैं, क्योंकि ये डूइंग भी है, हैपनिंग भी है। अब ये ऐसी वर्ब्स हैं जो डूइंग भी एक्सप्रेस करती हैं और हैपनिंग भी एक्सप्रेस करती हैं। अब होता क्या है कि अगर कोई वर्ब हैपनिंग है तो वो हमेशा इंट्रांसिटिव ही होगी। सो देयर आर अ नंबर ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश विच कैन यूज टू एक्सप्रेस बोथ डूइंग एंड हैपनिंग, जिनके थ्रू हम डूइंग और हैपनिंग दोनों एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी कॉमनली यूज वर्ब्स हैं जिनके थ्रू हम डूइंग और हैपनिंग दोनों एक्सप्रेस करते हैं। अब एक तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट होता है, उसे पढ़ोगे तो जान जाओगे कि वर्ब डूइंग एक्सप्रेस कर रही है या हैपनिंग कर रही। नहीं तो एक दूसरा तरीका भी होता है कि वर्ब के साथ लिखा गया सब्जेक्ट देखो, अगर वो उसका डूअर हो सकता है तो डूइंग है, नहीं तो हैपनिंग है। अब जैसे यहां पे अगर हम देखें तो जो मैन है ना वो ग्रो वर्ब का डूअर है, तो ये वर्ब डूइंग हो गई, ठीक है। लेकिन कॉटन जो है वो डूअर नहीं हो सकता, तो ये वर्ब हैपनिंग हो गई। हालांकि ये हमेशा काम करेगा नहीं, क्योंकि मैन यहां पर भी सब्जेक्ट है, यहां भी सब्जेक्ट है, वो बाद में कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। तो कुल मिला के ये वो ऐसी वर्ब्स हैं जो डूइंग और हैपनिंग दोनों एक्सप्रेस करती हैं। जब ये हैपनिंग एक्सप्रेस करती हैं तो ये हमेशा इंट्रांसिटिव होती हैं। हैपनिंग का मतलब कुछ होना, डूइंग का मतलब करना। तो अगर कोई डूअर इन्वॉल्व है तब तो चांस है कि वर्ब ट्रांसिटिव हो जाएगी, लेकिन अगर ये इसमें कोई डूअर इन्वॉल्व नहीं और हैपनिंग है तो वर्ब हमेशा इंट्रांसिटिव होगी। अब अगर ये बातें क्लियर हो गई हो तो इन पे देखो एक दो एग्जांपल्स। इट विल नेवर हैपन, व्हाट दे आर सेइंग। उसको जगह पीछे कोने में बैठा बेटा। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज की डेफिनेशन बताओ। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका ईमानदारी से आंसर दियो, जो समझा रहे हो वो समझ रहे हो, समझा फिर तो समझा, बहुत अच्छी बात है। अगर समझा रहा है वो समझ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अबे मैं समझा रहा हूं वो नहीं, जो ये क्लॉज की डेफिनेशन मुझे समझा रहा है ये तुम समझ रहे हो, जो क्लॉज की डेफिनेशन मुझे समझा रहे थे ये खुद समझ रहे हो। नहीं तो फिर अब क्या कहूं मैं तेरे को, कहा था ना वो टेंस और कंडीशनल और मूड को रिवाइज कर लेना, एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, लेकिन बातें समझ में आती नहीं। हम इंसानों की एक खासियत होती है, जब हमारे पास मौका होता है तब हम उसकी कदर नहीं करते। अब जब मौका निकल जाता है फिर हमें समझ आती है बात, लेकिन तब जब बात खत्म ही हो गई तब समझ में आने से क्या फायदा, जब ओवर एज हो गए, उम्र हो गई, तो अब समझ में आ भी जाए तो हमें तो फायदा मिलना नहीं है। फिर तो ये है कि बेटा बेटी को अपने समझा लो, वो मान जाए तो उन्हें फायदा मिल जाएगा, अपना तो गया। तो जब कह दिया कि मूड और टेंस और क्या था वो तीसरा कंडीशनल रिवाइज करके आना, क्यों नहीं पढ़ गया, अभी बात समझ में आएगी नहीं ना, बाद में समझ में आएगी कि उस समय पढ़ ली हो तो बढ़िया रहता।
तू बता पड़ोसी क्लॉज क्या होता है? हाँ क्लॉज कितने टाइप के होते हैं? चुप रहो। हाँ कौन कौन से 3 टाइप? तुम्हें गिरा के मारे यहीं पे, तब तुम सुधर जाओ अपने आप। पड़ोसी। हाँ कौन कौन से? हाँ देखो इसकी सुनना, सिंपल और अच्छी क्वालिटी का मिल गया है। सिंपल सिंपल तो मैंने नहीं पढ़ाया क्लॉज। पीछे बैठा कौन कौन से? हाँ सबॉर्डिनेट कोऑर्डिनेट में डिफरेंस बता। जो फैन वर्स कंजंक्शन के साथ लिखे गए क्लॉजेस होते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेट, अदर देन फैन वर्स कंजंक्शन के साथ लिखे गए होते हैं वो होते हैं सबॉर्डिनेट। ये तो हो गई पहचानने की बात, अब उनके फंक्शन में डिफरेंस बता। सबॉर्डिनेट क्लॉजेस का क्या यूज होता है सेंटेंस में और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस का क्या होता है? पड़ोसी सबॉर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज में डिफरेंस बताओ फंक्शन के अकॉर्डिंग। मेन क्लॉज रहती है हाँ, हालांकि मैं कोऑर्डिनेट सबॉर्डिनेट में पूछ रहा हूं, लेकिन फिर भी चलो मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट रहती है। सबॉर्डिनेट कोऑर्डिनेट में बताओ। हाँ तेरा मुंह। देखो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होती हैं, वो एक इंडिपेंडेंट एक्शन होती है जिनको मेन क्लॉज का लिख दिया जाता है, लेकिन जो सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं ना वो डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा वो जो सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं वो एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन होते हैं, ये पढ़ा था। अभी जो वर्ड कंजंक्शन होता है ना इसके साथ लिखी क्लॉज हमेशा नाउन होती है, बस ये ध्यान रखना है। रिविजन करते रहा करो भैया, जो पढ़ाया जाता है तभी ज्यादा फायदा मिलेगा, अब भूलते जाओगे पीछे पढ़ाया हुआ तो कम फायदा मिलेगा। तो ये जो हमने लिखी ना वर्ड दे आर सेइंग, ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज है ठीक है, और ये सबॉर्डिनेट क्लॉज नाउन है। वर्ड के साथ लिखे क्लॉजेस होती हैं वो नाउन होती है, ध्यान रखना। वर्ड प्रोनाउन होता है उसके साथ लिखे क्लॉज नाउन होती है। अब अगर ये क्लॉज नाउन है तो ये सेंटेंस में इसका काम क्या जा रहा है ये भी समझ लेना। ये विल नेवर हैपन मेन वर्ब है, इट इसका सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो वर्ड कंजंक्शन के साथ लिखे गए जो क्लॉजेस होती हैं वो नाउन क्लॉज होती हैं और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होती हैं। अब सब्जेक्ट तो वो यहाँ पे हो नहीं सकती क्योंकि सब्जेक्ट है इट, तो हमें उसे ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट मान भी लें तो सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि हैपन वर्ब है इंट्रांसिटिव, हैपनिंग वाली सारी वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, ध्यान देना। तो जो हैपन वर्ब हमने लिखी ना ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, अगर ये वर्ब इंट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट तो लिखना ही गलत हो गया। अब मीनिंग भले ही हम सही समझ लें लेकिन ये सेंटेंस सही है नहीं क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब का तो ऑब्जेक्ट आते नहीं है। तो इसको अपना ऐसे सही करना, व्हाट दे आर सेइंग विल नेवर हैपन। अब देखो हमने क्या किया, वो जो हमारी नाउन क्लॉज थी जिसको हमने ऑब्जेक्ट बना के यूज कर रखा था इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ में, उसको सब्जेक्ट बना लिया। अब सब्जेक्ट तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों ही वर्ब के साथ यूज होते हैं, तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती थी, वो इंट्रांसिटिव वर्ब के सब्जेक्ट बना लो। तो इस सेंटेंस को हमें सही करने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, वट दे आर सेइंग विल नेवर हैपन। तो विल नेवर हैपन हमारा प्रेडिकेट हो गया, वट दे आर सेइंग उसका सब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल समझना। इट डिड नॉट अकर एज दे हैड प्लान, इट डिड नॉट अकर एज दे हैड प्लान, अकर वर्ब क्या शो करते हैं? डूइंग या हैपनिंग? हैपनिंग, तो ये भी इंट्रांसिटिव हो गई। जो वर्ब हैपनिंग होती हैं जिनमें कोई डूअर नहीं होता वो सारी इंट्रांसिटिव होती हैं, तो अकर वर्ब और हैपन दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। एक मिनट क्या लिख दिया मैंने, व्हाट लिखना, व्हाट दे हैड प्लान। अभी जो व्हाट दे हैड प्लान हमने सबॉर्डिनेट क्लॉज लिखी है फिर से ऑब्जेक्ट बन गई, लेकिन चूंकि वर्ब इंट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, व्हाट दे हैड प्लान, व्हाट दे हैड प्लान
डिड नॉट अकर। अब क्या होगा, डिड नॉट अकर हमारी वर्ब हो गई, व्हाट दे हैड प्लान्ड इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट तो इंट्रांसिटिव के साथ आ नहीं सकता, लेकिन सब्जेक्ट आ सकता है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। तो यहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उनके साथ में ऑब्जेक्ट्स नहीं लिखने चाहिए। हैपनिंग एक्सप्रेस करने वाली सारी वर्ब इंट्रांसिटिव ही होती हैं। जो वर्ब्स हैपनिंग एक्सप्रेस करती हैं वो सारी इंट्रांसिटिव होती हैं। हाँ हाँ बेटा, हाँ देखो बच्चे, कुछ वर्ड्स होते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब वो कंजंक्शन भी होते हैं और नाउन या प्रोनाउन भी होते हैं, एडवर्ब्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स होते हैं ना, ये केवल कंजंक्शन नहीं होते, ये प्रोनाउन और एडवर्ब्स भी होते हैं। तो ये दो काम करते हैं, कनेक्ट भी करते हैं और साथ ही साथ में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। व्हाट ऑब्जेक्ट है सेइंग वर्ब का, इसमें है प्लैंड वर्ब का। तो जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स हम यूज करते हैं ना कंजंक्शन बना के, ये डुअल रोल में होते हैं। अब देखो एक चीज समझना, ये सेंटेंस हमारे सही हो गए, हालांकि लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरीके से नहीं, ऐसे लिखे गए होते, इट विल नेवर हैपन एज दे आर सेइंग, तो भी सही हो जाते। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख देते ना, इट विल नेवर हैपन एज दे आर सेइंग, तो भी ये सेंटेंस सही हो जाता। अब देखो, इट सब्जेक्ट हो गया, विल नेवर हैपन वर्ब हो गई, ठीक है। और एज दे आर सेइंग जो हमने लिखा है, ये एडवर्ब क्लॉज है हाउ का रिप्लाई। अब यहां पे ध्यान क्या रखना है, ये जो वर्ड होता है ये तो होता है प्रोनाउन, तो इसके साथ जो क्लॉज लिखोगे वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगी, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एज वर्ड होता है ना, ये एडवर्ब होता है, इसके साथ लिखी गई क्लॉज जो होती है, इसके साथ लिखी गई फ्रेजेस जो होती है वो एडवर्ब होती है, हाउ का रिप्लाई होती है वो। तो हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होता है, एडवर्ब तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव किसी भी वर्ब के साथ यूज हो सकता है। तो अगर हम एज दे आर सेइंग लिखेंगे तो सही हो जाएगा, व्हाट दे आर सेइंग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज और सोचना, या सोचना क्या, मैं ही पहले पूछता हूं, तो बता बेटा, अगर जैसे हमने लिखा इट विल नेवर हैपन व्हाट दे आर सेइंग, तो ये गलत था, तो अगर हम व्हाट की जगह एज लिख देंगे तो सही हो जाएगा। तो हमने व्हाट की जगह एज क्यों नहीं लिख दिया, उसको क्लॉज को पहले क्यों लिखा, इतनी मेहनत क्यों की, व्हाट की जगह एज लिख देते तो सही हो जाता। जल्दी बोल, तू कुटेगा किसी दिन, समझा, पड़ोसी 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 पड़ोसी, तभी ले हुए हैं क्या, पीछे बैठा वो रेड कैप, पड़ोसी पड़ोसी नहीं पता, चल क्वेश्चन बता मैंने क्या पूछा। चलो कम से कम तुम्हें क्वेश्चन तो पता है, मैं तो सोचा बस हम सब सर हिलाए जा रहे हैं। पता क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उससे हमारा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। कभी भी किसी सेंटेंस को कॉन्टेक्स्ट चेंज करके सही मत किया करो। मैंने ये बात इसलिए बता दी कि अगर पहले से एज लिखा हो तो उसको सही मान लेना, वर्ड लिखा हो तो उसको गलत मानना, ठीक है। बाकी अगर उसको सही करना पड़े तो हमेशा ऐसे ही सही करना, कभी भी किसी सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट चेंज करके उसको सही मत किया करो, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको वर्ड की जगह एज लिख के सही नहीं किया, हमने इस तरीके से सही किया, जिससे हमारा कॉन्टेक्स्ट बना रह गया वही जो पहले था, और सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो गया। अगर एज लिख देंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले हम क्या कुछ और रहे थे, फिर बाद में बात ही बदल गई। तो कभी भी किसी सेंटेंस को कॉन्टेक्स्ट चेंज करके सही मत किया करो। तो अगर पहले से एज लिखा होता तो सही होता, नहीं तो उसको ऐसे ही सही करना। अब इसी तरीके से इसको भी सही किया जा सकता है, मतलब अगर ये वैसे लिखा होता तो ये भी सही हो जाता, इट डिडंट अकर एज दे हैड प्लान्ड, इट डिडंट अकर एज दे हैड प्लान्ड। अब देखो एज दे हैड प्लान्ड जो हमने लिखा ना, ये हाउ का रिप्लाई एडवर्ब क्लॉज है, और ये एडवर्ब डिडंट अकर वर्ब के लिए हमने यूज किया। अब ये भले इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एडवर्ब हाउ का रिप्लाई तो आ ही सकता है। तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन है, इनका ध्यान रखना। और देखो ही विल इजली क्वालिफाई इन दिस टेस्ट। दूसरा, दे हैव स्ट्रेस्ड ऑन
दिस टॉपिक फॉर लॉन्ग. तीसरा सेंटेंस. आई कैन नॉट अफोर्ड टू दिस कॉस्टली अ वॉच. और सम पीपल आर डिमांडिंग फॉर क्विक सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. ये सेंटेंस पढ़ो और पता करो सही है या गलत है, और अगर गलत हो तो क्या करने से सही हो जाएंगे. हाँ थर्ड गलत है ना, क्या करेंगे सही हो जाए. टू बाई दिस कॉस्टली अ कार, मतलब अच्छा ठीक है भाई, खरीद नहीं सकते इतनी महंगी वॉच. बाकी सही है. सही है. इधर आ दो. एक हमने सेंटेंस लिखा, ही डाइड डैश देम, और लिखा ही किल्ड डैश देम. क्या इस देम को, मतलब ये जो प्रोनाउन देम है, क्या इस देम प्रोनाउन को इन दोनों वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट बना के लिखा जा सकता है. देखो देखो, ही डाइड देम, ही किल्ड देम. क्या हम देम को दोनों वर्ब को ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं? हाँ? अरे भाई बोलते क्यों नहीं, क्या इस देम को इस डाई और किल दोनों वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं? दोनों के साथ नहीं लिख सकते, किसी एक के साथ, डाइड के साथ नहीं लिख सकते. हाँ कि किल्ड के साथ नहीं लिख सकते. हाँ? इसके साथ लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट बना के, इसके साथ नहीं लिख सकते. ऐसा क्या वजह है कि इसके साथ नहीं लिख सकते, इसके साथ लिख सकते हैं? आंसर यही है, लेकिन मैं जानना ही चाहता हूं कि ऐसा क्या है कि किल के साथ में इसे ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं, डाई के साथ में नहीं लिख सकते हैं, ऐसा क्यों? मंत्र पढ़ रहा है, बोलेगा नहीं, मंत्र पढ़ रहा है. ये इंट्रांसिटिव है, ये ट्रांसिटिव है. देखो बड़ी सीधी सी वजह यही होती है कि कोई वर्ब ट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इंट्रांसिटिव है तो नहीं आएगा. हालांकि इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझ लेते हैं. ये जो डाई वर्ब है ना, ये हैपनिंग है, ठीक है, और जो किल वर्ब है डूइंग है. वैसे तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव है, लेकिन अगर हम और वापस जाएं तो हम ऐसे भी इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डाई वर्ब हैपनिंग है और किल वर्ब डूइंग है. इसमें कोई डूअर नहीं होता, इसमें डूअर होता है, मतलब जो किलर होता है ना वो डूअर होता है, ठीक. तो ये वर्ब है डूइंग, इसमें कोई डूअर इन्वॉल्व होता है, ये है हैपनिंग. जो वर्ब हैपनिंग वाली होती है ना वो सारी इंट्रांसिटिव होती है.
अच्छा, जो वर्ब डूइंग होती हैं वो ऐसा नहीं है कि सारी ट्रांसटिव होती हैं, लेकिन वो ट्रांसटिव भी हो सकती हैं, मतलब वो ट्रांसटिव भी हो सकती हैं और इंट्रांसटिव भी हो सकती हैं। अब इसी बात को अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई वर्ब इंट्रांसटिव है और कोई वर्ब ट्रांसटिव है, तो अगर कोई वर्ब ट्रांसटिव है तो वो सर्टनली डूइंग होगी, लेकिन जो वर्ब इंट्रांसटिव है वो डूइंग या हैपनिंग कुछ भी हो सकती है। ये छोटी छोटी चीजें सीखो, इंग्लिश आसान है। तो इन दोनों में से चाहे तुम्हें ये बात समझ में आ जाए चाहे वो बात समझ में आ जाए, समझनी पड़ेगी। तो ऐसी वर्ब्स जो डूइंग होती हैं वो हमेशा, मतलब वो ट्रांसटिव या इंट्रांसटिव कुछ भी हो सकती हैं, देख लो उसके बाद व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत है तो ट्रांसटिव है, नहीं जरूरत है तो इंट्रांसटिव है। अच्छा, जो वर्ब हैपनिंग है वो हमेशा बाय डिफॉल्ट इंट्रांसटिव ही होती है, तो डाई वर्ब हैपनिंग है तो ऐसे बदल गया इंट्रांसटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, किल वर्ब है डूइंग। अब अगर ये डूइंग वर्ब है तो देख लो इसके बाद व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़ेगी या नहीं। मान लो ये सेंटेंस हम केवल इतना लिखें, ही किल्ड डैश, तो इसका मीनिंग कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट? अरे अगर केवल इतना ही लिखे ही किल्ड और उसके आगे कुछ ना लिखे तो मीनिंग कंप्लीट है इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट ही रहेगा, क्योंकि अगर उसने किल किया तो कोई तो रहा होगा जिसको किल किया गया, तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये वर्ब इंट्रांसिटिव मतलब ट्रांसिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। जिन वर्ब्स के बाद व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़े वो ट्रांसिटिव होती है, तो हम इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे देम। अच्छा, डाई वर्ब हैपनिंग है उसको व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत ही नहीं है, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, देम लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इस सिचुएशन में अब हमें लिखनी पड़ेगी प्रिपोजिशन। अब वो जो हम प्रिपोजिशन लिखेंगे वो प्रिपोजिशन क्या करेगी, इस नाउन का मतलब इस प्रोनाउन का और इस वर्ब का रिलेशन शो करेगी। अलग अलग रिलेशन के लिए अलग अलग प्रिपोजिशन यूज होती हैं, जो भी लॉजिकल हो उनमें से किसी को भी लिख दो, मतलब जो लॉजिकल हो सकते हैं प्रिपोजिशन, जो लॉजिक के अकॉर्डिंग सही हो सकते हैं उनमें से जो चाहे लिख दो। बिफोर देम, बिकॉज ऑफ देम, नियर देम, विद देम, फॉर देम, जो चाहे लिख दो। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ही डाइड फॉर देम, विद देम, नियर देम, मतलब कुछ भी लिख दो, इनमें से ये सारी प्रिपोजिशन यहाँ पे लॉजिकली होंगी। अब इन क्वेश्चन पे वापस आते हैं, आ जाओ फिर से वापस एक बार। ये सेंटेंस मैंने केवल इतना ही लिखा है, ये मीनिंग कंप्लीट है इनकम्प्लीट? किसी को बोलने दो, उसी को बोलने दो। ही विल इजिली क्वालिफाई, अगर सेंटेंस इतना ही लिखे आगे कुछ ना लिखे, कंप्लीट है इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट, बताना पड़ेगा व्हाट क्वालिफाई। तो अगर किसी वर्ब के बाद में व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़े तो वो ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव? हाँ, अगर किसी वर्ब के बाद व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़े तो वो वर्ब ट्रांसिटिव होती है या इंट्रांसिव? ट्रांसिटिव है, उसके बाद में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट या प्रिपरेशन? ऑब्जेक्ट, तो ये दिस टेस्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इन प्रिपरेशन गलत हो गए। फिर हमने लिखा दे हैव स्ट्रेस्ड, अब स्ट्रेस्ड लिखा हमने, दे हैव स्ट्रेस्ड, व्हाट व्हाट हैव दे स्ट्रेस्ड, क्या स्ट्रेस क्या बताना पड़ेगा। तो कुछ तो ऑब्जेक्ट रहा होगा जिसको स्ट्रेस किया होगा, तो अगर ऑब्जेक्ट चाहिए इस वर्ब के बाद में तो वर्ब ट्रांसिटिव हो गई, ट्रांसिटिव हो गई तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो दिस टॉपिक, और ये ऑन गलत हो गया। फिर हमने लिखा आई कैंट अफोर्ड, व्हाट व्हाट कैंट आई अफोर्ड, क्या अफोर्ड नहीं कर सकते है? बताना पड़ेगा, तो ये वर्ब ट्रांसिटिव है, उसको व्हाट के रिप्लाई की जरूरत है, तो दिस कॉस्टली वॉच जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये प्रिपोजिशन गलत। फिर हमने लिखा सम पीपल आर डिमांडिंग, व्हाट आर दे डिमांडिंग, क्या डिमांड कर रहे हैं वो लोग? अब अगर डिमांड कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कोई तो ऑब्जेक्ट होगा जिसे डिमांड किया जा रहा है, तो इस वर्ब को व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़ेगी, तो ये वर्ब ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव वर्ब है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, क्विक सॉल्यूशन। तो ये चारों सेंटेंस हमारे गलत थे, और ये इसलिए गलत थे क्योंकि हमने ट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट के बजाय प्रिपोजिशन लिख दी। तो अब हमें यहां से समझना ये कि ऐसी वर्ब्स जिनके बाद में व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़ती है वो ट्रांसिटिव होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो, प्रिपोजिशन नहीं। पड़ोसी, बड़ा मन से लिख रहा है पड़ोसी, विवाह पड़ोसी को, ये तुम्हारा पड़ोसी जान नहीं पाया कि इन सेंटेंसेस में गलती क्या है, ठीक है? हालांकि सेंटेंस गलत थे लेकिन ये जान नहीं पाया, क्या ऐसी वजह रही होगी कि जान नहीं पाया? एक बार सोच के देखो, तुम्हारे पड़ोसी ने कहा ये सेंटेंस सही है,
तुम्हारे पड़ोसी ने क्या सोच के बात कही होगी, सेंटेंस सही है, पता क्यों नहीं चला तुम्हारे पड़ोसी को ये गलत है? मतलब उस बंदे को खुद तो अपनी कमी पता नहीं चलेगी, किसी को भी अपनी कमी खुद तो पता नहीं चलती है, तुम्हें हो सकता है पता हो कि इसकी कमी क्या रही होगी, बताओ जरा एक बार। तुम उससे मिले हुए हो पड़ोसी, बेटा क्या कमी रही होगी ये पर्सन जान नहीं पाएगी सेंटेंस सही है मतलब गलत है। अब उसको मेरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, अबे हिले हुए क्या कमी रही होगी कि ये बंदा जान नहीं पाया सेंटेंस गलत है? तू सबसे बड़ा है, समझे? ये जो कमी होती है ना, वो एक यूनिवर्सल कमी है जो नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है सबके साथ, वो होती है ट्रांसलेशन, कि हम ट्रांसलेशन करते हैं मीनिंग निकालते हैं, ठीक है? तो एक ही वजह है इन सेंटेंसेस को नहीं जान पाने की, अगर कोई नहीं जान पा रहा है सेंटेंस सही है गलत है, तो उसकी वजह बस एक ही होती है कि वो पर्सन ट्रांसलेट करके पता करना चाहता है कि सेंटेंस सही है गलत, मीनिंग निकाल के पता करना चाहता है। तो इस बंदे ने मीनिंग निकाली और मीनिंग के हिसाब से सब कुछ सेट था, ठीक है? कैसे सेट था देखना, वो इस टेस्ट में इजिली पास हो जाएगा, मे का मतलब इन होता है लिख दिया, ठीक है? उन्होंने इस मामले पर जोर दिया, पर का मतलब ऑन होता है लिख दिया, मैं इतनी महंगी कार को अफोर्ड नहीं कर सकता, को का मतलब टू होता है वो भी लिख दिया, वो क्विक सॉल्यूशन के लिए मांग कर रहे हैं, के लिए का मतलब फॉर होता है इसलिए नहीं जान रहे। तो ये वो वजह होती है जिस वजह से हम इंग्लिश सीखने से चूक जाते हैं, कि जहां पर हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए वहां पर मीनिंग निकालने लगते हैं, ट्रांसलेशन करने लगते हैं। तो इसलिए मैं पहली क्लास से कह रहा हूं कि मीनिंग ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं कोई सीख पाया ना कभी सीख पाएगा, ये आदतें छोड़नी पड़ेंगी और ये छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ेंगी, क्या डूइंग क्या हैपनिंग क्या ट्रांसिटिव क्या इंट्रांसिटिव, क्या ऑब्जेक्ट क्या एडवर्ब, सीख जाओगे तो इंग्लिश सीख जाओगे, नहीं तो बस याद करना पड़ेगा, सीख नहीं पाओगे। तो सीखने के लिए आदत छोड़नी पड़ेगी, मीनिंग और ट्रांसलेशन की वजह से हम सीखने से चूक जाते हैं, हमें लगता है मीनिंग निकालना आ गया इंग्लिश आ गई, ऐसा नहीं होता। एक ऐसे ही मतलब केवल बात को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, ज्यादातर तुम लोगों ने देखा होगा जो गाड़ियों के पीछे ये शायरी वगैरह लिखते हैं या फोटो वगैरह बनाते हैं ना, वो पेंटर नहीं होते, सारे तो खैर नहीं होते होंगे, लेकिन उसमें से बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं जो इलिटरेट होते हैं, ठीक है? इलिटरेट होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको क्या स्वर है क्या अक्षर है क्या वाक्य है क्या वाक्यांश है कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी उनकी राइटिंग देखो इतना बढ़िया सुंदर लिखते हैं, मतलब हम नहीं लिख पाएंगे लेकिन वो लिख देते हैं। एक से मैंने पूछा कि तुम्हें जब पढ़ना लिखना आता नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि आ क्या है का क्या है, अब उसने बना तो दिया लेकिन उसे ये नहीं पता कि आ है कि माँ है, तो उससे पूछा कि भाई तुम्हें पता ही नहीं तो तुमने लिख कैसे दिया, तो पता है उसने क्या बताया? उसने कहा मेरे लिए अक्षर नहीं मेरे लिए फोटो है, जैसे पेंटर फोटो नहीं बनाता शक्ल देख के हुबू, उसने कहा मैं वैसे हुबू बना देता हूं जैसे मुझे किसी ने लिख के दे दिया, मैंने हुबू वैसे ही बना दिया, अब मुझे नहीं पता ये का है कि माँ है कि आ है, ये जो भी होगा अपना बना रहेगा, ये कहानी है। इंग्लिश से मतलब ट्रांसलेशन से मीनिंग निकाल के इंग्लिश सीखने वालों की यही हालत होती है, वो होते हैं अनपढ़ लेकिन वो आ बना देते हैं, अब उनका आ बन गया, उन्हें नहीं पता ये आ माँ है का है क्या, कुछ नहीं पता, तो ये कोई लर्निंग वर्निंग थोड़ी है। अब पेंटर है वो बड़ा सुंदर लिख देगा तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा वो हमसे पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे हम है वो थोड़ी है, सही गलत हम समझ सकते हैं, वो सही गलत थोड़ी समझ पाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं स्वर के अक्षर क्या वाक्यांश का। तो इंग्लिश जब हम मीनिंग से सीखते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ी कमी यही शुरू से चल जाती है नॉर्थ इंडिया में खास करके, कि लोग मीनिंग निकालने लगते हैं और उसी को इंग्लिश समझ लेते हैं। तो ये सारी वर्ब्स हमारी ट्रांसिटिव थी, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जो वर्ब हैपनिंग होती है वो सारी इंट्रांसिटिव होती है, जो वर्ब डूइंग होती हैं वो ट्रांसिटिव भी हो सकती हैं इंट्रांसिटिव भी हो सकती हैं, उनको पता करने का यही तरीका होता है कि उनके बाद देखो क्या व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत है, अगर है तो वर्ब ट्रांसिटिव है, नहीं है तो इंट्रांसिटिव। अब होता है कि जैसे हम हिंदी इंग्लिश वाली बुक्स पढ़ते हैं जिनमें हिंदी इंग्लिश एक साथ में लिखी होती है, वो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो हमें समझ में आती है और आसान लगती है, लेकिन वो केवल समझ में आती है और आसान लगती है लेकिन उनसे फायदा नहीं होता, क्योंकि उनमें इसी तरीके से लिखा होता है मे के संदर्भ में इनका प्रयोग करें, के भीतर के संदर्भ में इनसाइड का प्रयोग करें, पर के संदर्भ में ऑन का प्रयोग करें, ये गलत है, ऐसे तो हम कुछ सीख ही नहीं पा रहे, ऐसे तो हम इंग्लिश सीख गए। अब देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ एग्जाम्पल सीखता हूँ, तुम अपने आप एक बार सही करके देखना। ही साइंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विद अ पेन सिक्स, आई हैव नेवर फेस्ड विद सच अ प्रॉब्लम, सेवन
आर टेम डज नॉट लैक ऑफ एनीथिंग. He shall approach to his seniors in this regard. अबे देखो कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं ना, अपने आप समझो, देखो कुछ पकड़ में आ रहा है क्या. फर्स्ट सेंटेंस में क्या करेक्शन किया? ऑन हटाया, विद हटा दिया ऑन. अब जैसे हमने लिखा ही साइन, ठीक है, व्हाट व्हाट डिड ही साइन. तो अगर उसने साइन किया तो कोई तो ऑब्जेक्ट रहा होगा जो साइन किया. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये व्हाट का रिप्लाई है. जिन वर्ड्स के बाद में व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़ती है वो ट्रांसिटिव होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो, प्रीपोजिशन नहीं. ये जो विद है ना, इसको मत हटा देना, ये हाउ का रिप्लाई है. विद प्रीपोजिशन है, पेन उसका ऑब्जेक्ट है, और हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर है. अरे यार, क्या पता पेंसिल से किया हो, है कि नहीं? पेंसिल से किया हो, क्या पता, क्या पता डिजिटल साइन कर दिया हो. ये उसने भी यही बोला था, आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई दिस कार, ये बोला था ना, आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई दिस कॉस्टलियर वॉच. हालांकि अगर बाई लिख देते तो वो सही हो जाता, लेकिन एक्चुअल में वहां पे ये थोड़ी हम कह सकते कि बाई का लिखने से गलत हो जाएगा. ये तो हमने सपोज कर लिया, ये सब्जेक्टिव मत हुआ करो. आई हैव नेवर फेस्ड, ठीक है, वट वट हैव नेवर फेस्ड. अब वट का रिप्लाई चाहिए तो ये वर्ब ट्रांसिटिव हो गए. जिन वर्ड्स को वट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़ती है वो ट्रांसिटिव होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो, प्रीपोजिशन नहीं. फिर हमने लिखा आई टेम डजेंट लैक वट, वट डजेंट इट लैक, तो वट का रिप्लाई चाहिए तो ये भी वर्ब ट्रांसिटिव हो गई. फिर हमने लिखा ही शैल अप्रोच हुम, हुम शैल ही अप्रोच. अब चाहे वट का रिप्लाई चाहिए हो, हुम का रिप्लाई चाहिए हो, वर्ब ट्रांसिटिव होती है, तो हुम शैल ही अप्रोच, तो आंसर आ गया हिज सीनियर्स. तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब ट्रांसिटिव हो गई, नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड. लैक हैपनिंग नहीं होती बच्चे, स्टेट होती है. लैक ना डूइंग होती है ना हैपनिंग होती है, स्टेट शो करने वाली वर्ब होती है. स्टेटिव वर्ब्स ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव दोनों ही होती हैं. हैपनिंग होती है क्या इसमें, कुछ हो रहा होता है? नहीं, ये ना डूइंग है ना हैपनिंग है, स्टेट होती है. तो खैर, ये कुल मिला के तुम यहां से समझ पाओगे, जो वर्ड्स ट्रांसिटिव होते हैं उनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो, प्रिपरेशन नहीं. और ये ट्रांसिटिव इंटेंसिव को पहचानना सीखना. और देखो क्वेश्चन एक आधा, वी हैव बीन गॉन थ्रू मैनी अप्स एंड डाउन्स. सेकेंड, दिस एग्रीमेंट विल बी एक्सपायर्ड चाइनीज फोन ऐसे आ गए इंडिया में. दिस एग्रीमेंट विल बी एक्सपायर्ड इन 3rd month. थर्ड देखो, मैनी
चिल्ड्रन हैव बीन डाइड, या हैव बीन क्या वर्ड लिखो, वर डाइड ऑफ क्या वो बुखार का नाम है जो बिहार में चल रहा है, चमकी। अरे सच फिनोमिना आर हैपेंड वंस इन अ सेंचुरी। लिखा क्या था उसमें? हाँ तो सही होता, आई हैव नेवर फेस सच अ प्रॉब्लम, तो भी सही होता। ऑब्जेक्ट होता है बेटा, सच अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट आई हैव नेवर फेस्ड। अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे लिखे हुए, और इन सेंटेंसेस से भी हमें एक आधा एप्लीकेशन सीखना है वर्ब्स का। वो एप्लीकेशन क्या होगा अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ क्या नाम है? हाँ रोहित। किसने बता दिया नाम? कौन है रोहित? अरे उतना पीछे नहीं पूछ रहे थे, चलो अब आ जा। रोहित ये बताइए, वर्ड्स जो हमने यहाँ पे यूज किए इन सेंटेंस में वो ट्रांस एक्टिव या पैसिव? सारे पैसिव क्या, कुछ पैसिव कुछ एक्टिव भी हैं? सारी पैसिव है, कैसे बदल गया सारी पैसिव है? बेटा कैसे पता चल गया सारी पैसिव है? हाँ क्या कह रहा है? सेंटेंस पढ़ के पता चल गया? ऐसा क्या सेंटेंस में पढ़ लिया कि पता चल गया? हम भी पढ़ लें वही, हमें पता चल जाए, बता। मैं हिले हुए बट आगे बैठा रोहित के आगे। ये सारी वर्ब एक्टिव है या पैसिव? सारी या कुछ? कैसे बदल गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो वर्ब पैसिव हो जाएगी। आई हैव इन्फॉर्म्ड देम, ये पैसिव हो गई। फिर पड़ोसी, अबे बोलेगा, तिरछे इशारों से देख रहा है, देखो तिरछी आंखों से देख रहा है। पढ़ लिख लिया करो कुछ से। सर बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होती है। अब देखो ये सारी वर्ब पैसिव है, और इनको पैसिव कहने की वजह ये है कि इनकी जो फॉर्म है ना वो पैसिव वर्ब वाली फॉर्म है। कोई भी वर्ब जो हम थर्ड फॉर्म में लिखते हैं बी की फॉर्म के बाद तो वो हमेशा पैसिव ही होती है। बी की फॉर्म का मतलब होता है इज अमार वाज वर्ब। अब जैसे गॉन से पहले हमने बीन लिखा बी की फॉर्म में तो वो पैसिव हो गया। एक्सपायर्ड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उससे पहले हमने बी लिखा वो भी पैसिव हो गया। डाइड थर्ड फॉर्म है, उससे पहले वर्ब लिखा वो भी बी की फॉर्म में पैसिव हो गया। हैपेंड से पहले आर लिखा आर भी बी की फॉर्म में तो पैसिव हो गया। तो ये वर्ब पैसिव है ये तो पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव ही होती है। अब बेटा रोहित तू दूसरा क्वेश्चन बता, ये जो वर्ब हमने यूज किए इन सेंटेंसेस में पैसिव बना के, ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिव? जैसे गो वर्ब है, एक्सपायर है, डाई है और हैपन है। हाँ सारे या कुछ? हाँ किसको छोड़ के? हैपन को छोड़ के, बाकी सारी इंट्रांसिव है।
चपकेगा। सबसे पहले आज यही बताया कि ये वर्ब इंटेंसिव होती है, सबसे पहले इसी को समझाया, वो इसी को छोड़ रहे। देखो ये जो तीनों वर्ब है ना, ये तो है हैपनिंग, इन्हें तो इंटेंसिव होना ही होना है। अच्छा ये जो वर्ब है ना, ये डूइंग है, लेकिन हमने कहा कि ऐसा नहीं कि कोई वर्ब डूइंग है तो वो ट्रांसिटिव हो जाएगी, अगर उसको व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत है तो ट्रांसिटिव, नहीं तो इंटेंसिव। अब मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा दे गो, अब इसके बाद में अगर हम चाहें तो क्या व्हाट या हुम का रिप्लाई लिख पाएंगे? देखो देखो, हाँ नहीं लिख पाओगे, क्योंकि जब भी इसके बाद में कोई नाउन लिखोगे या प्रोनाउन लिखोगे ना, तो हमेशा प्रिपोजिशन चाहिए होगी। मान लो हमने यहाँ पे एक नाउन लिख दिया हिम, या प्रोनाउन, ये मतलब प्रोनाउन लिख दिया हिम या नाउन लिख दिया स्कूल, अब दोनों सिचुएशन में हमें प्रिपोजिशन चाहिए होगी। यहाँ पे टू लिखनी पड़ेगी, टू वर्ड्स भी लिख सकते हो ठीक है, फ्रॉम भी लिख सकते हो, जरूरत के हिसाब से कोई भी प्रिपोजिशन लिखोगे, लेकिन लिखनी जरूर पड़ेगी। प्रिपोजिशन यहाँ भी लिखनी पड़ेगी, चाहे विद लिखो, चाहे बाय लिखो, चाहे कुछ भी लिखो। तो अगर हम देख रहे हैं कि गो प्रिपोजिशन, गो वर्ब के बाद में ना तो हमें वर्ड ना है, हमें होम के रिप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो ये वर्ब इंट्रांसिटिव है। तो गो वर्ब भले ही ट्रांसिटिव हो, लेकिन ये बेसिकली है इंट्रांसिटिव। तो कुल मिला के आंसर ये कि सारी की सारी वर्ब इंट्रांसिटिव है। तो कोई भी ऐसी वर्ब जो हैपनिंग है वो तो हमेशा इंट्रांसिटिव होगी, लेकिन जो डूइंग वाली वर्ब्स होती हैं वो भी इंट्रांसिटिव हो सकती हैं। डूइंग वर्ब्स ट्रांसिटिव तभी होती हैं जब उनके बाद व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़े। तो ये सारी के सारी वर्ब इंट्रांसिटिव हैं। क्या कोई ऐसी वर्ब जो इंट्रांसिटिव है उसका पैसिव बन सकता है? देखो हाँ ये बताएगा फिर से बेटा रोहित, क्या कोई ऐसी वर्ब जो इंट्रांसिटिव है उसका पैसिव बन सकता है? कितने बोर्डम हो तुमसे सर, कोई भी वर्ब जो इंट्रांसिटिव है उसका पैसिव नहीं बन सकता, क्योंकि जो इंट्रांसिटिव वर्ब होगी उसका तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं। जब हम किसी वर्ब का पैसिव बनाते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो कुल मिला के बात सीधी सी है कि जो सारी हमने पैसिव वॉइस लिख रखी है गलत है, इनको एक्टिव फॉर्म में लिखो। तो इन सेंटेंसेस को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, वी हैव गॉन थ्रू मैनी अप्स एंड डाउन्स, दिस एग्रीमेंट विल एक्सपायर नेक्स्ट मंथ, मैनी चिल्ड्रन डाइड ऑफ चमकी एंड सच फिनामिना हैपन वंस इन अ सेंचुरी। तो कोई भी वर्ब जो इंट्रांसिटिव हो, फिर से समझ लो, ये सब हम बस ये सीख रहे हैं कि जो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव हम डिस्कस कर रहे हैं उसका हमारी मतलब हमें उसकी कितनी जरूरत पड़नी है आगे सिलेबस में आके। तो अपना अभी से क्लियर करते हुए चलना। तो ये हमने क्या किया, जो वर्ब्स हमारी पैसिव थी ना वो गलत थी, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब्स है, इनका पैसिव बन नहीं सकता, तो हमने इनको ट्रांसिटिव बना लिया। बाकी चाहे अपने यहाँ पे लिख भी लो, ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स हैव पैसिव फॉर्म, ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स हैव पैसिव फॉर्म्स। केवल ट्रांसिटिव वर्ब्स को ही पैसिव फॉर्म्स में यूज किया जा सकता है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स हमेशा एक्टिव फॉर्म में यूज किया करो। डाइड हैपनिंग है बेटा, एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता, एडजेक्टिव वैसे इसका डेड होता है, डेड। एक दो क्वेश्चन लिखता हूं तुम्हारे लिए, अपने आप सही करना। दिस आइडिया वॉज कम टू हिम वाइल प्लेइंग देयर, वाइल प्लेइंग इन द पार्क, ही हैज बीन फ्रॉम द रिवर, ही हैज बीन स्वम अक्रॉस द रिवर इजली। अब देखो ये जो दोनों वर्ब हमने लिखे ना, ये भी दोनों पैसिव हैं। वॉज कम बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव, हैज बीन स्वम ये भी पैसिव, बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की पैसिव ही होती है। अच्छा ये जो दोनों ही वर्ब हमने लिखी हैं, कम या स्विम, ये दोनों ही वर्ब डूइंग होती हैं, इसमें भी डूअर होता है, इसमें डूअर होता है। अब हमें ये पता करना है कि डूइंग तो चलो ये दोनों ही है, लेकिन क्या इनके बाद व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़ेगी या नहीं?
देखो एक चीज तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ, ज्यादातर मोशन वाली वर्ब इंट्रेंसिव होती हैं। कम है, गो है, मूव है, रन है, फ्लाई है, मतलब जो वर्ब्स मोशन शो करते हैं वो इंट्रेंसिव ही होते हैं। कम वर्ब इंट्रेंसिव है, स्विम भी इंट्रेंसिव है, दोनों मोशन वाली वर्ब है। तो ये वर्ब भले ही डूइंग हो लेकिन ये दोनों ही इंट्रेंसिव वर्ब्स हैं। अगर ये इंट्रेंसिव वर्ब्स हैं तो पैसिव इनका भी नहीं बनेगा। तो ये जो हमने वॉज कम लिखा ना, गलत है, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव लिखो, केम, और इसमें से बीन हटा दो, बस ये हो गया एक्टिव। तो ऐसे वर्ब्स जो इंट्रांसिटिव होते हैं उनको पैसिव वॉइस में मत लिखा करो। अब खैर ये तो बड़ी सीधी सी बात थी कि कोई वर्ब जो इंट्रांसिटिव है उसका पैसिव नहीं बनेगा, ऐसे पता चल गया। अब देखो एक दूसरा तरीका तुम्हें बताता हूं। अगर हम ये मान लेते हैं कि चलो ये हैज बिन फ्रॉम हमारी जो पैसिव वर्ब है ये सही है, ठीक है, तो जो पैसिव वर्ब्स होते हैं उनका जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस में उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ये तो पता ही होगा कि कोई भी वर्ब जो पैसिव वॉइस में लिखी है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो वर्ब का एक्टिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। तो अगर हम ये थोड़े समय के लिए मान भी लें कि ही हैज बीन स्विम सही है, तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि स्विम वर्ब का ऑब्जेक्ट ही है। क्या ही स्विम वर्ब का ऑब्जेक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये ऐसे बल गया, गलत है। मतलब कॉमन सेंस अपना अप्लाई कर लोगे तो भी जान जाओगे, नहीं तो जो बातें समझाई जा रही है इनको समझ लोगे तो भी जान जाओगे। बस मीनिंग और ट्रांसलेशन वाली बदतमीजी मत करना। तो खैर हमने दो टाइप ऑफ वर्ब्स को डिस्कस कर लिया, अब लिख दो थर्ड टाइप ऑफ वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। देखो लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, क्यों उनको हम अलग से पढ़ रहे हैं, उनके साथ में क्यों नहीं पढ़ लिए, सारी बातें अभी डिस्कस कर लेंगे। पहले एक बार इन्हें लिख लो, कुछ कॉमनली यूज लिंकिंग वर्ब्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक तो बी और उसकी सारी फॉर्म्स, इज एम आर वॉज वर्ब, जब हम बी की फॉर्म्स को वर्ब बना के लिखते हैं तो सारी लिंकिंग वर्ब भी होती हैं। बिकम, गेट, गो, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, स्टे, टर्न, रिमेन, कीप, रीच, प्रूव, साउंड एटसेट्रा। ये कुछ कॉमनली यूज लिंकिंग वर्ब्स हैं इंग्लिश की। अब देखो इनमें और एक्शन वर्ब्स में बाकी वर्ब्स में डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं। अब देखो जो दोनों सेंटेंस हमने लिखे ना, मोहन सॉ पुलिसमैन, मोहन वॉज अ पुलिसमैन, इसमें मोहन तो दोनों जगह सब्जेक्ट है, सॉ यहाँ पे वर्ब है, वॉज यहाँ पे वर्ब है। ये जो पुलिसमैन है ना ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे वर्ब का डिफरेंस समझने से पहले एक बार इसका डिफरेंस समझ लेते हैं, ये पुलिसमैन क्या है, इसको एक जगह ऑब्जेक्ट एक जगह कॉम्प्लीमेंट क्यों कह रहे हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो जनरली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अदर देन द सब्जेक्ट हो, मतलब वो रेफरेंस दूसरा होता है। तो जो मोहन है ना ये सब्जेक्ट का रेफरेंस है, लेकिन जो पुलिसमैन है वो मोहन का रेफरेंस नहीं, वो किसी और का रेफरेंस है। मतलब वो वर्ड मोहन सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए नहीं, किसी और को रेफर करने के लिए। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट। लेकिन यहां पर हम देखें तो जो पुलिसमैन है वो एक्चुअल में मोहन का ही रेफरेंस है, ना कि किसी और का, मतलब ये रेफरेंस सेम है। तो जो पुलिसमैन वर्ड है वो मोहन को रेफर कर रहा है, बाकी किसी और को नहीं। तो हम इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक।
तो कॉम्प्लीमेंट्स वो वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए ही लिखे जाते हैं, मतलब वो सब्जेक्ट का ही रेफरेंस होते हैं, बाकी कुछ और नहीं। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस ये हो गया कि ऑब्जेक्ट्स आर अदर देन द सब्जेक्ट व्हाइल कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज द सब्जेक्ट। दूसरा डिफरेंस देखो, अगर हम चाहें तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट होना के वर्ब को पैसिव भी कर सकते हैं, अ पुलिसमैन वॉज सीन बाय मोहन, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। कॉम्प्लीमेंट्स को हम सब्जेक्ट होना के वर्ब पैसिव नहीं कर सकते, क्योंकि वो मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है पैसिव में, कॉम्प्लीमेंट को नहीं बनाया जाता। तो एक डिफरेंस ही हो गया। दूसरा डिफरेंस, ये जो हमने 100 वर्ब लिखी है ना, ये एक एक्टिविटी है, इसमें एक डूअर इन्वॉल्व होता है जो उस काम को करता है, लेकिन ये जो वॉज वर्ब है ना, इसमें कोई डूअर वगैरह नहीं होता, ये लिंकिंग वर्ब है। तो ये जो वॉज वर्ब है ना, तो ये डूइंग है ना ये हैपनिंग है, ये वर्ब केवल इस सब्जेक्ट को इस कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर रही है, ये लिंकिंग वर्ब है। तो कुल मिला के लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनका काम सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करना होता है, इसके अलावा ना वो डूइंग एक्सप्रेस करते हैं ना हैपनिंग एक्सप्रेस करते हैं। अब ये इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हम इस पर्पज के लिए, मतलब सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करने के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं, तो इन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। लिंकिंग वर्ब इसीलिए बिकॉज दे लिंक द सब्जेक्ट विद कॉम्प्लीमेंट, वो सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करते हैं, इसीलिए इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। द मैन टेस्टेड द फूड, द फूड टेस्टेड डिलीशियस। जरा एक बार ये देखो, तो टेस्टेड दोनों जगह एक्शन है या लिंकिंग है? फर्स्ट में क्या है? ठीक है, अब अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, तो जो टेस्टेड वर्ब हमने पहले सेंटेंस में लिखी है ना, ये है एक्शन वर्ब और ये है लिंकिंग वर्ब। अब वैसे तो इसको पहचानने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये होता है कि वर्ब के बाद जो हमने लिखा वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को पहचानना ज्यादा आसान होता है। तो वो जो हमने फूड लिखा है ना, फूड वर्ड, वो फूड मैन का रेफरेंस नहीं है, वो सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए लिखा गया वर्ड नहीं, वो किसी और चीज को रेफर कर रहा है, तो हम उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। अच्छा, जबकि डिलीशियस जो है वो सब्जेक्ट फूड को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया, तो हम उसे उस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये वर्ब लिंकिंग है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब एक्शन है। तो एक तो डिफरेंस यही हो गया कि इसको हम एक्शन कह रहे हैं, इसको लिंकिंग कह रहे हैं। दूसरा एक डिफरेंस ये भी है कि जो वर्ब्स लिंकिंग होती हैं उनको बी की फॉर्म रिप्लेस कर देते हैं सेंटेंस में, बिना मीनिंग को चेंज किया सेंटेंस को गलत किया। जैसे जो टेस्टेड हमने वर्ब लिखी है ना, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अगर हम इसे रिप्लेस करना चाहें बी की सेकेंड फॉर्म वॉज से, और उस टेस्टेड को भी रिप्लेस करना चाहें बी की फॉर्म वॉज से, तो कौन से सेंटेंस में लिखे गए टेस्टेड की जगह पर वॉज को लिखा जा सकता है, जिससे कि हमारा सेंटेंस भी ना गलत हो और मीनिंग भी ना बदले? थर्ड या फोर्थ? फोर्थ। यहां पे अगर हम टेस्ट की जगह वॉज लिख देंगे ना, तो वही मीनिंग रहेगा और सेंटेंस भी गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मीनिंग भी बदल जाएगा और जो नया मीनिंग तैयार होगा वो सेंटेंस भी लॉजिकल नहीं होगा, गलती हो जाएगा। तो ये जो बी की फॉर्म वॉज है वो इस टेस्टेड को रिप्लेस कर सकती है, इसे नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ड नहीं है, ये लिंकिंग वर्ड। अब हमें यहाँ पे समझना है कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो एक्शन और लिंकिंग दोनों ही हैं। मैं अंडरलाइन मतलब उन्हें मार्क कर देता हूँ, जो एक्शन और लिंकिंग दोनों ही हैं। अब आगे अपना ध्यान रखना, आप देखो फिर से एक बार समझ लो, जो वर्ब्स अभी इस लिस्ट में नहीं लिखी हैं, ठीक है, उन्हें सबको एक्शन वर्ब भी मानना, जो अभी यहाँ पे नहीं लिखी है, मतलब उन्हें लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में मत मानना, ठीक है। जैसे यहाँ पे टीच नहीं लिखा, प्ले नहीं लिखा, क्राई नहीं लिखा, शाउट नहीं लिखा, रन नहीं लिखा, ईट नहीं लिखा, तो वो सारी अभी नॉन लिंकिंग वर्ब्स हैं। ये जो वर्ब्स यहाँ पे लिखी है ना, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। अच्छा, इनमें से भी जिन्हें मार्क कर दिया गया वो एक्शन और लिंकिंग दोनों ही है। अब फिर से मैं बता देता हूँ, अगर हमें ये पहचानना हो कि कोई वर्ब एक्शन है या लिंकिंग है, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि देखो उस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा गया या कॉम्प्लीमेंट लिखा गया। ऑब्जेक्ट लिखा गया तो एक्शन है, कॉम्प्लीमेंट लिखा गया तो लिंकिंग है।
या एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि उस वर्ब को बी की फॉर्म से रिप्लेस करके देखो, अगर लगे कि बी की फॉर्म उस सेंटेंस में उस वर्ब को रिप्लेस कर देगी जिससे मीनिंग भी नहीं बदलेगा और सेंटेंस गलत भी नहीं होगा, तो समझ जाना कि वो लिंकिंग वर्ब ही थी। अगर ना बी की फॉर्म उसे रिप्लेस कर पाए, मीनिंग बदल जाए या सेंटेंस गलत हो जाए, तो जान जाना कि वो लिंकिंग वर्ब नहीं थी। तो एक तो तरीका यही हो गया। एक दूसरा तरीका देखो, ये जो फूड वर्ड है ना, ये है नाउन, और ये जो डिलीशियस वर्ड है अगर तुम पहले से जानते हो तो ये एडजेक्टिव है। अब होता क्या है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में जिन वर्ड्स को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं वो या तो नाउंस होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन अगर बात सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की नहीं कॉम्प्लीमेंट्स की हो, तो कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो नाउन प्रोनाउन के अलावा एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। तो इस बात को अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स कॉम्प्लीमेंट ही हो सकते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं। तो अगर कभी किसी वर्ब के बाद तुम्हें एडजेक्टिव दिखाई पड़ जाए तो भी जान जाना कि वो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और वर्ब लिंकिंग है। तो अगर तुम ये जान पा रहे हो कि डिलीशियस एडजेक्टिव है तो ये पता चल जाना चाहिए कि उससे पहले लिखी गई वर्ब लिंकिंग होगी, क्योंकि एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद ही आते हैं। फिर से समझ लो जो कहा जा रहा है, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में जिन वर्ड्स को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं वो या तो नाउंस होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट्स की बात होती है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्स नाउन प्रोनाउन के अलावा एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। तो उसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स केवल कॉम्प्लीमेंट ही हो सकते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं। अगर हम किसी वर्ब के बाद में कभी कोई एडजेक्टिव लिख दें तो ऐसे ही जान जाना कि वो वर्ब जो है वो हमेशा लिंकिंग वर्ब ही होगी। तो डिलीशियस एडजेक्टिव है तो ऐसे बदल गया कि वो टेस्ट लिंकिंग वर्ब ही होगी। अब ये जो एक्शन और लिंकिंग वर्ब्स है इन पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देखना। सबसे पहला, दिस न्यूज वॉज अपियर्ड ऑन ऑल चैनल्स। यू शुड बी रिमेंड साइलेंट एट द मीटिंग। तीसरा, क्या कर रहा है वे मूर्ख, क्या कर रहा है, क्यों चुन लड़ा रहा से? दे आर लुक्ड रादर नर्वस टुडे। ये सेंटेंस बता सही है गलत? खीसे बड़ी फूट रही है तेरी, आज मैं तेरी पहले खीसे निकालता हूं। ये तीनों सेंटेंस पढ़ और ये बताइए सही है गलत। सही लग रहे हैं? मैंने ये तो नहीं पूछा, मैंने पूछा सही है गलत। हाँ पड़ोसी, क्या पढ़ा रहा था इधर को वे, क्या समझा रहा था, क्या समझा रहा था इधर को? हाँ क्या बोला था? हाँ लिंकिंग वर्ग बोल रहा था, क्या बोल रहा था भाई बताना। प्रूफ का पता नहीं चल पा रहा कि एक्शन है लिंकिंग है। अच्छा ये पता नहीं चल पा रहा है कि एन है कि वी है। अच्छा ये पता चल गया, ये प्रूव है, बस ये नहीं पता चल पा रहा कि एन है कि वी है। देखो इन ससुर को, देखो इन्हें, देखो इन पागलों को ससुर। अबे हिले हुए, जब पता चल गया प्रूव है तो एन में कैसे हो जाएगा?
एक से हिले हुए हैं, ये पता चल गया इसे प्रूव है, बस ये नहीं बदल पा रहा कि एन होगा कि वी होगा। हद है भाई हद है, जो कराई कम किया करो, समझे, पढ़ाई लिखाई सीरियस होकर किया करो। यहाँ पे इधर आवे, ये वर्ब एक्टिव है या पैसिव है बता। हाँ उसी को बोलने दो, पैसिव है। कैसे बदल गया पैसिव है? अब देखो, हाँ बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। अभी जो वर्ब्स हमने लिखे ना पैसिव है, अपियर्ड है, रिमेंड है, लुक्ड है, ये पैसिव है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना कि जो रिमेन है ये रही, लुक ये रही, और अपियर ये रही, और ये तीनों वर्ब्स इंट्रांसिटिव होते हैं, मतलब ये लिंकिंग वर्ब्स हैं और ये लिंकिंग वर्ब्स सारी इंट्रांसिटिव होती है, ये ध्यान रखना है। ट्रांसिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट लिखे जाए, लिंकिंग वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आते, कॉम्प्लीमेंट आते हैं, तो लिंकिंग वर्ब्स बाय डिफॉल्ट इंट्रांसिटिव ही होते हैं। तो जितनी भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो सारी इंट्रांसिटिव होती हैं। अब ये तीनों जो हमने लिख रखे हैं ना लिंकिंग वर्ब हैं, अगर ये लिंकिंग वर्ब हैं तो इनके पैसिव तो नहीं बनने चाहिए थे, क्योंकि लिंकिंग वर्ब इंट्रांसिटिव होते हैं, तो ये लोग पैसिव फिर से गलत हो गए। फिर इन्हें एक्टिव फॉर्म में लिखो। तो इन सेंटेंसेस को ऐसे लिखो, दे लुक रादर नर्वस टुडे, यू शुड रिमेन साइलेंट एट द मीटिंग, दिस न्यूज अपियर्ड ऑन ऑल चैनल्स। और इसको ऐसे लिख लो, डोंट यूज लिंकिंग वर्ब्स इन पैसिव वॉइस, डोंट यूज लिंकिंग वर्ब्स इन पैसिव फॉर्म। लिंकिंग वर्ब्स को पैसिव फॉर्म में नहीं यूज करना, ये सारी वर्ब इंट्रांसिटिव होते हैं, इनके पैसिव ऐसे नहीं बनते। एक एग्जांपल से और लिख देता हूं, इसे देखो समझना। द आइडिया वॉज बिकम हिट अमंग द स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने लिखा था आइडिया वॉज बिकम हिट अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये जो हमने वॉज बिकम लिखा है वर्ब पैसिव है, लेकिन बिकम लिंकिंग वर्ब होती है, क्योंकि वो लिंकिंग वर्ब होती है तो पैसिव बनेगा नहीं, एक्टिव फॉर्म में यूज करो बिकेम। तो एक तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं इनको पैसिव वॉइस में मत लिखा करो, ये सारे इंट्रांसिटिव होते हैं, इनके पैसिव वैसे बनते नहीं है। किससे? हाँ बी की फॉर्म से कर सकते हैं। हाँ और क्या, वॉज लिख दो उसकी जगह, तो वॉच लिख दो उसकी जगह, सही तो है। वो देखो कंफ्यूज हो गया तब तक। अगला क्वेश्चन देखो, इट इज मी हु कैन सॉल्व इट, वॉज इट हर हु टोल्ड यू दिस न्यूज, ये दो एग्जाम्पल देखो। अब हमने लिखा इट इज मी हु कैन सॉल्व इट एंड वॉज इट हर हु टोल्ड यू दिस न्यूज। अब देखो समझना, ये जो इज है ना, ये वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? हा लिंकिंग वर्ब। अब ये जो हमने इज लिखे ना, ये वर्ब है और ये वॉज भी वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। अगर ये लिंकिंग वर्ब्स हैं तो ये जो हम प्रोनाउन यहाँ पे लिख रहे हैं मी और हर, ये ऑब्जेक्ट्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट को रेफर करते हैं। फिलहाल में ऐसे समझ लेना, ये जो मी और हर हम यूज कर रहे हैं ना, ये इस हु को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि इट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ, इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है जो उस हु को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा गया, मतलब ये जो इट है वो खुद हु की जगह यूज हो रहा है। तो हमें ये मान के चलना है कि जो मी हम लिख रहे हैं ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हु को, और ये हर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हु को ही कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लिखा गया। अच्छा, जिन बच्चों को पहले से पता हो ठीक है, जिन्हें नहीं पता हो आगे हमेशा ध्यान रखेंगे कि हु सब्जेक्ट होता है और हुम ऑब्जेक्ट होता है,
तो जो हु हमने लिखा है सब्जेक्ट है, अगर ये मी इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट हुआ, अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो इसको नॉमिनेटिव केस में लिखो आई और इसको नॉमिनेटिव केस में लिखो शी। तो इन सेंटेंसेस को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, इट इज आई हु कैन सॉल्व इट एंड वॉज इट शी हु टोल्ड यू दिस न्यूज। तो जो लिंकिंग वर्ब्स के बाद हम नाउन प्रोनाउंस लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी सब्जेक्ट ही होता है। नहीं भूल जाऊंगा मैं दोबारा, बे हिले हुए, इज लिंकिंग वर्ब हो गई, मी कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब वो कॉम्प्लीमेंट हु को कर रहा है, हु सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में आई लिखो। अब एक तीसरा क्वेश्चन देखना, इट इज आई होम दे हेल्प देयर, इट इज आई होम दे हेल्प देयर। अब देखो फिर से वही सेम सेंटेंस है, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा ये हो गया डिफरेंस कि जो अब आई हम यूज कर रहे हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट होम को कर रहा है। अच्छा होम होता है ऑब्जेक्ट, इस बात देखो सब्जेक्ट दे है, ध्यान देना, तो यहां पे सब्जेक्ट है दे, लेकिन ये जो आई हम यूज कर रहे हैं ना, ये दे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है होम को जो कि ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर तो मी लिखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिखो, इट इज मी होम दे हेल्प देयर। तो जो लिंकिंग वर्ब्स के बाद में लिखे गए नाउन से प्रोनाउंस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, अगर सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करें तो फिर सब्जेक्टिव केस में लिखा करो, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करें तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा करो। अब अगर हु लिख रहे हो तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट होता है, नॉमिनेटिव केस में लिख दो। अगर हुम लिखोगे तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखो। हालांकि एक आधी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, जैसे ये वाली, इट वॉज हिम दैट ट्रस्टेड यू मोस्ट, इट वॉज ही दैट यू ट्रस्टेड मोस्ट। अब देखो जैसे ये हु और हुम प्रोनाउंस होते हैं ना, वैसे ये दैट भी प्रोनाउन होता है, ठीक है, बस होता है क्या, हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, दैट होता है जरूरत के हिसाब से, कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये जो हु हुम और दैट होते हैं, ये तीनों वर्ड प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब हुम तो ऑब्जेक्ट होता है वो देख के पता चल जाता है, हु सब्जेक्ट होता है वो भी पता चल जाता है, दैट का हमें पता करना पड़ता है। अब जैसे अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो यहाँ पे जो ट्रस्टेड वर्ब है ना, उससे पहले हमने यू लिख रखा है, तो अगर हम यू को सब्जेक्ट से वर्ब से पहले लिख रहे हैं तो ये सब्जेक्ट ही होगा, अगर यू सब्जेक्ट हो गया तो फिर दैट को ऑब्जेक्ट मानना। अच्छा यहां पर हम यू को लिख रहे हैं ट्रस्टेड वर्ब के बाद में, अगर वर्ब के बाद लिख रहे हैं तो यू सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, सब्जेक्ट होता तो पहले आता, तो इसका मतलब ये यू ऑब्जेक्ट है, अगर यू ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर सब्जेक्ट कौन होगा, तो फिर सब्जेक्ट या दैट प्रोनाउन हो जाएगा। तो जो फोर्थ क्वेश्चन में हमने दैट लिखा है वो सब्जेक्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा वो ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये दैट सब्जेक्ट है और ये वॉज लिंकिंग वर्ब है, तो इसका मतलब ये जो हिम हम यूज कर रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस दैट को जो कि सब्जेक्ट है, तो अगर सब्जेक्ट है तो ही लिखो। अच्छा ये जो ही हमने लिखा ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दैट को जो कि ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो हिम लिखो। तो ये अपना ध्यान देना कि लिंकिंग वर्ब्स के बाद में जो हम प्रोनाउंस लिखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट हैं, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट हैं, ये देखने के बाद में उनको फॉर्म डिसाइड क्या करो, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट तो ऑब्जेक्ट। He was
हैप्पी व्हेन दे टोल्ड हिम द न्यूज़। पहले इसी को समझ लो। अब देखो, जैसे कि हमने पढ़ा ही, लिंकिंग वर्ब्स जो होती है डूइंग ए हैपनिंग नहीं होती है, स्टेट डिस्क्राइब करते हैं। तो मान लो हमने जैसे सेंटेंस लिखा ही वॉज हैप्पी, तो ये उस पर्सन की स्टेट हो गई कि कोई पर्सन है वो खुश था, या हम उसकी स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन ये बात हम तभी मान सकते हैं जब ये सेंटेंस केवल इतना ही लिखा हो, ही वॉज हैप्पी। लेकिन जो पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखा ना, व्हेन दे टोल्ड हिम द न्यूज, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो पहले हैप्पी रहा हो या ना रहा हो, वो शायद नहीं रहा होगा तभी ये बात लिखी गई है। तो अगर हम ये लिखते हैं व्हेन दे टोल्ड हिम द न्यूज, तो इसका मतलब जो उसको न्यूज बता दी तब वो खुश हुआ। तो इसका मतलब हम सिंपली स्टेट ना डिस्क्राइब करके चेंज इन स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगर देखो, किसी पर्सन की स्टेट डिस्क्राइब करनी है तब तो इन वर्ब्स में से जो सही लगे जरूरत के हिसाब से अपने यूज कर लो, ही वॉज हैप्पी सही है। लेकिन एक्चुअली हम यहाँ पे स्टेट ना डिस्क्राइब करके स्टेट में आए हुए चेंज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वो चेंज इसलिए आया क्योंकि उसको उन्होंने अच्छी खबर बता दी। अच्छी खबर बता दी तो वो खुश हो गया, इसका मतलब वो पहले खुश नहीं रहा होगा। तो अगर हमें चेंज को डिस्क्राइब करना हो ना किसी पर्सन के स्टेट में, तो बिकम वर्ब का यूज क्या करो, या गॉट वर्ब का यूज क्या करो, या टर्न वर्ब का यूज क्या करो, मतलब इनमें से किसी एक का यूज करो। ही बिकेम हैप्पी, टर्न्ड हैप्पी, या गॉट हैप्पी। तो चेंज इन स्टेट के लिए इन वर्ब्स का यूज क्या करो। सबसे कॉमन वैसे इसमें गेट वर्ब होती है। तो जब भी कोई चेंज रेफर करना हो स्टेट में, तो इनका यूज क्या करो, ही गॉट हैप्पी, ही गॉट सक्सेसफुल, ही गॉट वरिड, वगैरह वगैरह। अब दूसरा एग्जाम्पल देखना, ही वॉज अलर्ट ऑल द नाइट डिस्पाइट बींग टायर्ड। ही वॉज अलर्ट ऑल द नाइट डिस्पाइट बींग टायर्ड। अब देखो, अगर हम इस सेंटेंस को केवल यहां तक लिखें, ही वॉज अलर्ट ऑल द नाइट, तो ये सेंटेंस सही है। ये उस पर्सन की स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है कि थ्रू आउट द नाइट उसकी स्टेट क्या थी, मतलब अलर्ट स्टेट में था या नहीं था, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन ये जो हमने साथ में एक फ्रेज लिख दी ना, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, ये कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए लिखी गई फ्रेज होती है। तो इसका मतलब वो पर्सन अगर थका हुआ था तो उससे एक्सपेक्टेड ये था कि वो केयरलेस हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो रहा अलर्ट। तो मतलब यहाँ पे उसकी स्टेट चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हुई, कंटिन्यू रही, कॉन्टिन्यूटी इन स्टेट। अब ये दो सिचुएशन होती हैं, एक तो चेंज इन स्टेट की स्टेट चेंज हो गई, एक सिचुएशन एक ही स्टेट चेंज नहीं हुई, सेम स्टेट कंटिन्यू रही। कंटिन्यूटी शो करने के लिए कीप वर्ब का यूज क्या करो, कैप्ट अलर्ट। स्टेट भी लिख सकते हो स्टेट अलर्ट, रिमेन भी लिख सकते हो रिमेंड अलर्ट। तो ये दो तीन वर्ब है, इनका अपना स्पेसिफिकली ध्यान रखना। अगर चेंज को रेफर करना हो किसी की स्टेट में तो उन वर्ब्स का यूज क्या करो, अगर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट शो करनी हो तो इनका यूज क्या करो। ही कैप्ट अलर्ट ऑल द नाइट, ही स्टेड अलर्ट ऑल द नाइट, ही रिमेंड अलर्ट ऑल द नाइट। एक देखो, किसी पेपर में क्वेश्चन आया, हालांकि सीजल वीजल का ही कोई पेपर रहा होगा, क्वेश्चन क्या था, सी वॉज अनहैप्पी इवन आफ्टर हर मैरिज इन अ रिच फैमिली। अबे नेटेड पे ढूंढोगे तो पता चल जाएगा कौन से पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे सही से याद हो तो यही है। अब अगर ये सेंटेंस केवल यहीं तक हो तब तो ये सही है, शी वॉज अनहैप्पी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, इवन आफ्टर हर मैरिज इन अ रिच फैमिली, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ये था, एक्सपेक्टेड ये था कि वो अनहैप्पी, उसकी स्टेट जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी रिच फैमिली में शादी होने के बाद। लेकिन फिर भी वो स्टेट डिसकंटिन्यू हुई नहीं, वो सेम स्टेट कंटिन्यू कर गई।
तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, शी रिमेन्ड अनहैप्पी इवन आफ्टर हर मैरिज इन अ रिच फैमिली। तो किसी पर्सन की अगर सेम स्टेट कंटिन्यू कर जाए तो कंटिन्यूटी शो करने के लिए कीप स्टे रिमेन लिखा करो, चेंज शो करने के लिए बिकम गेट टर्न लिखा करो। अब देखो जैसे क्लास में मान लो कोई बच्चे बात कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो चुप रहें, बात ना करें, तो हमने उनको इस तरीके से इंस्ट्रक्ट किया कीप क्वाइट। ठीक है, तो कीप क्वाइट का मतलब ये हो गया कि पहले से उनकी स्टेट है क्वाइट, क्वाइट का मतलब साइलेंट, और हम चाहते हैं कि वो अपनी उस स्टेट को चेंज ना करें, दे कंटिन्यू विद द सेम स्टेट, सेम स्टेट को ही कंटिन्यू रखें, जो क्वाइट है तो क्वाइट ही रहे, तो हमने उनको कीप क्वाइट कहा। अच्छा मान लो कोई ऐसा है जो पहले से बात कर रहा है और हमें देख के चुप हो गया, तो हमने कहा चुप होने की जरूरत नहीं अपने, तुम बातें भी करते रहो, तुम लगे रहो, तो कीप टॉकिंग। कीप टॉकिंग का मतलब कंटिन्यू विद द सेम स्टेट। ठीक है, तो जब हमें कंटिन्यूटी स्टेट में शो करनी हो तो ये वर्ब, चेंज शो करना तो वो वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स के एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, वो कल डिस्कस करेंगे, फिलहाल में आज मैं जो पढ़ा दिया है वो सब रिवाइज करके आना, इन केस कल पूछा जाए तो बताना। बाकी आज के लिए बाय।